पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरे गैंग के दो अभियुक्त आए दिन लूट की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। फिरोजपुर पुलिस के ने चुनाव के मद्देनजर दो ऐसे साथी अपराधियों की व्यवस्था कर जेल भेज दिया है जो आए दिन कहीं न कहीं पर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। जिनके पास से एक तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस बरामद किया। इन लुटेरों द्वारा दिनांक 10 जून 2019 को एक दूधिया से एक इंडेक्स मोबाइल 5000 की लूट कर ली थी, जिसका मुकदमा थाना रसूलपुर में पंजीकृत है। मामला थाना रसूलपुर का है। जब आज पुलिस ने गश्त के दौरान दो अभियुक्त सोनू और नरेंद्र को लूट की घटना योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास एक तमंचा 315 बाद जिंदा कारतूस दूधिया से लूटे हुए 5000 भी बरामद किए। थाना रसूलपुर SHO PD पांडे और सब इंस्पेक्टर विजय सिंह के नेतृत्व में ये दो लुटेरों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने बीती 10 मार्च को एक दूधिया से लूट करी थी और उसका मोबाइल लूटा था तथा उसके रुपए लूटे गए थे। ये रिकवरी की गई है। ये एक्टिव क्रिमिनल्स हैं जो लगातार छोटी छोटी छिनती ऐसी वारदातें कर रहे थे, परंतु उसके द्वारा इनके द्वारा ये वारदात की गई है और इनके पास से लूटा हुआ मोबाइल और 5000 रुपये बरामद हुए तथा साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और इनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद में यदि और कोई तथ्य संज्ञान में आते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद।